आने के बाद इधर खोलेंगे। सब देखिए थोड़ा गया गंभीर बात ये है कि मुंबई के पूरे इलाके में और विशेषतः झोपड़पट्टी परिसर में स्लम में ड्रग्स का प्रभाव बढ़ते जा रहा है और इससे युवा पीढ़ी का भविष्य पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। आज उनके जो माता पिता हैं, उनके जो सपने हैं, वो पूरी तरह से यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं और देश का भविष्य इसमें खतरे में आ रहा है। और ऐसे वक्त में मैंने हम लोगों ने यहाँ कांदिवली बोरीवली इस परिसर में दहीसर में जहाँ देख रहे हैं कि ड्रग्स ये स्कूलों तक पहुँच जा रहा है, कॉलेजेस में पहुँच जा रहा है और सिर्फ ये झोपड़ स्लम एरिया में ही नहीं सीमित रह रहा है, ये तो बिल्डिंगों में भी घुस रहा है। तो ये इसके पीछे कौन है, ये लोग कौन इसमें ड्रग पेडलर्स आ रहे हैं, इसके पीछे क्या नेटवर्क है, इसके लिए हमने अभी जांच की मांग की है और निश्चित तौर पर हमें आश्वस्त किया गया है पुलिस आयुक्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की तरफ से कि हम लोग इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, इसको नष्ट होना बहुत आवश्यक है। एक तरफ आप देखा जाए तो समीर आईएएस ऑफिसर ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, उन कार्रवाई के बाद उनको यहाँ से उनकी ट्रांसफर हो गई थी, आप उनको परेशान करने के लिए या ड्रग जो जो खुद शिकार हो चुके हैं व्यवस्था का, उनके पीछे लगे हुए थे, उसके पीछे क्या व्यवस्था थी, क्या मंशा थी, किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी या अपने स्वार्थ के लिए कोई कर रहा था, तो ऐसे अधिकारियों की इसमें आवश्यकता नहीं। जो समाज में जो ये बहुत बड़ा खतरा आया है तो उसके साथ में संवेदनशील लोग हैं, ऐसे अधिकारी वहां आने आवश्यक है। निश्चित तौर पर अगर कार्यक्षम प्रामाणिक अधिकारी वहां आएंगे तो अच्छी तरह से कार्रवाई करेंगे और इसी तरह से हमने अपेक्षा की कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से इसके पीछे जाए, क्योंकि स्लम के बच्चे, स्कूल के बच्चे, युवा बच्चों का भविष्य इसमें खतरे में आ रहा है और इसको पूरी तरह से खत्म होना बहुत आवश्यक है। जो सिग्नेचर कैंपेन किया गया था वो पूरी तरह से हम लोगों ने दिखाया है और कहा है कि ये लोगों की भावना है, जन भावना है, हर एक घर में ड्रग घुसाने की कोशिश हो रही है बाकायदा, तो ये पूरा जो नेटवर्क है इसको ध्वस्त करना आवश्यक है। और निश्चित तौर पर सिर्फ ये उत्तर मुंबई में सीमित नहीं है, ये पूरे मुंबई परिसर के झोपड़पट्टियों में पहुंच चुका है, तो ये कहां हमारा भविष्य हम लोग बर्बाद देख नहीं सकते और इसीलिए इस भावना से हम आए हैं कि ये इसको पूरी तरह से अहमियत पुलिस व्यवस्था दे और कार्रवाई करे और हमें आश्वस्त किया गया है कि कार्रवाई जरूर होगी, पुलिस व्यवस्था इसके बारे में सोच रही है और बहुत ही कंसर्न है, हम अपेक्षा रखते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी।